नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं, देखिए ये प्याज की नर्सरी बोई हुई है हमारे डाक सामने, प्याज की नर्सरी देखने के लिए। जो देख पा रहे होंगे आप, ये सामने मेरे दिख रही है। इसके बारे में कैसे देख रेख करें, कैसे कौन से सीजन में बोएं, इसको सब बताने के लिए हमारे पास विषय विशेषज्ञ हैं, सूरज कटियार साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि जो आप ये प्याज की नर्सरी डाले हुए हैं, इसको हमारे किसान भाई कैसे करें? खरीफ सीजन की है ना आपकी ये? हाँ, ये खरीफ सीजन की है। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, यदि हमें खरीफ की नर्सरी डालनी है तो नर्सरी में सबसे पहले जो जान लेने वाली बातें हैं वो ये है कि भूमि जो है अच्छी तरीके से जुती हुई भुरभुरी होनी चाहिए, और उसके बाद जमीन से उठी हुई कम से कम 20 सेंटीमीटर की बेड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जमीन से 20 सेंटीमीटर उठी हुई है। ओके। और इस तरीके से, और साथ में ही हमारे जल निकास की पूरी व्यवस्था अच्छा चाहिए, ताकि सर्वप्रथम हम बेड डालें और यदि कोई बारिश वगैरह हो जाती है तो उसका कोई प्रभाव हमारी नर्सरी पे ना आए, इसलिए जल निकास की भी बहुत आवश्यकता है। और उसके साथ साथ सबसे पहले जैसे ही हम नर्सरी डालेंगे तो नर्सरी डालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि गोबर की खाद FYM जैसे बोल सकते हैं हम, उसको कंपोस्ट के साथ बेड पे पूरी तरीके से अच्छे से भुरभुरी करके मिलवाएं। और उसके बाद लाइन वाइज कुछ लोग, जैसे हमारे किसान भाई गांव में क्या करते हैं, ऐसे छींट की धीरे धीरे पूरी तरीके से डाल देते हैं। जी जी। तो उससे क्या होता है, हम डाल तो देते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बड़ी होती है तो उसी के साथ साथ जो हमारे वीड निकलते हैं, घास निकलते हैं, उसको निकालने में फिर बहुत कठिनाई होती है, जिससे कि हमारी ये जो नर्सरी है वो भी उखड़ती है। जी। तो उसके लिए क्या करें कि लाइन बनाएं, लाइन से डालें और थोड़ा सा बीच में स्पेस रखें ताकि घास निकालने में आसानी हो। जी। और आप हमारे किसान भाई को ये बताइए कि आप ये जो बोए हैं किस सीजन में बोए हैं, आप नर्सरी डाले हैं? खरीफ की नर्सरी है ये, 30 जून से जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप बो सकते हैं। अच्छा, सीड रेट क्या रहता है, थोड़ा सीड रेट भी बता दीजिए। रहता है 10 से 12 किलोग्राम 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए रहता है। 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अच्छा, तो इसके लिए बीज उपचार वगैरह भी कुछ बताएंगे? हाँ, बीज उपचार के लिए आप कार्बंडाजिम का 2 से 2.5 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इसका जो है डेंचिंग कर सकते हैं आप, बीज उपचार कर सकते हैं। अच्छा, बीज उपचार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अभी नर्सरी डाले हैं तो कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो खरीफ सीजन में हमारे किसान भाई लें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। खरीफ सीजन में हमारे किसान भाई धीमा सुपर का भी जो है लगा सकते हैं, धीमा स्वर्णा लगा सकते हैं, एग्री पाउंड लाइट रेड लगा सकते हैं, और अगर व्हाइट ओनियन उनको लगाना है तो व्हाइट ओनियन में भी धीमा स्वेता एक वैरायटी हमारी आती है, इसको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आप ये नर्सरी आपकी देख पा रहे होंगे, लगभग कितने दिन की हो गई है आपकी नर्सरी? हमारी 30 से 35 दिन की हो गई। अच्छा, जैसे 30 से 35 दिन की नर्सरी हो गई है, तो अगर कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि इसमें येलो कलर के पौधे दिखाई देने लगते हैं, पीले रंग की पड़ने लगती है, उसका क्या कारण होता है, हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में भी बताइए। सवाल है और मैं सभी को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इस नर्सरी में थोड़ा सा पीलापन आ रहा है। जी। इस पीलापन को दूर करने के लिए हमारे किसान भाई मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसमें डेंचिंग कराएं। अच्छा। अच्छे से कराएं ताकि ऊपर से लेके जड़ों तक दवा अच्छे से पहुंच सके, और सबसे खास बात यह है कि ज़्यादातर हो सके तो इसको शाम में डेंचिंग कराएं। अच्छा, शाम के समय। शाम को डेंचिंग कराने का मतलब ये है कि जब शाम में आप डेंचिंग कराते हैं तो जब शाम हो जाती है 4 से 5 बज जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे एक नॉर्मल होने लगता है, मेंटेन हो जाता है। जी। तो उससे क्या रहता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं रहता है तो दवा अच्छे से काम करती है। जी। अब लास्ट बात ये है, अंत में अब वीडियो को बताइए कि ये जैसे नर्सरी आपकी तैयार हो गई है तो इसको खेत में ट्रांसप्लांटिंग कराते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा बताइए इसको, लगभग मतलब कितने दिन बाद इसको खेत में लगा देना चाहिए? देखिए, नर्सरी का एक अच्छा समय जो है वो 40 से 45 दिन या 50 दिन के अंतराल में आप उसको ट्रांसप्लांट करा दीजिए। जी। अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपको 40 से 50 दिन के अंतराल में उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जी। और सबसे दूसरी बात आती है स्पेसिंग की। अगर हमारा स्पेसिंग 15x10 सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं रहेगा तो उसमें प्रोडक्शन में कुछ कमी रह जाती है, जिससे हमारे किसान भाई बोलते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं आया है, तो स्पेसिंग का जरूर ध्यान रखिए। चलिए, अगली बात डॉक्टर साहब ये है कि अब जब आपसे हम मिलते हैं इसको लगवाने के समय, जब आप इसको ट्रांसप्लांट करवाएंगे खेत में, तब आप अगला वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप लगवाते हैं। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये आप ये बांस, ये तार, ये लाइन, ये सब लगाए हुए हैं, इधर साइड में एक ये पॉलीथीन भी पड़ी हुई दिख रही है, ये सब क्या कारण है, इसको क्यों रखे हुए हैं आप?
देखिए क्या रहता है, खरीफ की नर्सरी बहुत ही नाजुक नर्सरी है जी, और लगातार बारिश होने के कारण अगर इसमें ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, तो ये ख़राब हो सकती है जी। इसमें एक रोग आ जाता है डैम्पिंग ऑफ जी, तो उसी से बचाने के लिए हम इसमें जो है इस तरीके से पूरा प्रबंधन करते हैं, छाया करते हैं जी, ताकि बारिश का ज़्यादा पानी हमारी नर्सरी पे ना आ पड़े। चलिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब इसकी ये लोग ट्रांसप्लांटिंग करवाएंगे तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।